लॉकडाउन में धार्मिक स्थलों पर आमजन की पाबंदी के बावजूद झुंझुनू के एक मस्जिद में करीब 2 दर्जन लोग नमाज पढ़ते हुए मिले, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। शहर कोतवाल गोपाल सिंह ढाका ने यह बताया कि किकबाड़ी मार्केट के पास मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 14 नामजद समेत 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू द्वारा सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर पाबंदी लगाई हुई है। कल 22 मई 2020 को मुझे और तहसीलदार जी को सूचना प्राप्त हुई थी कि कबाड़ी मार्केट स्थित अल कुरेश मस्जिद में 15-20 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। वहां पे जाके चेक किया तो वहां करीब 20-25 लोग नमाज पढ़ रहे थे, जो आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय झुंझुनू द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली पे दर्ज करवाई गई है, जिसका